एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और भाई साहब, जगह देखकर आप समझ रहे होंगे कि हम कहाँ आ चुके हैं। देखिए, वेज कंटेंट तो हम कर रहे हैं, कवर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में नॉनवेज कवर भी हम कर रहे हैं, ताकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चूंकि सावन का समय चल रहा है और आपको पता है इस बार 2 महीने का सावन है, तो बहुत लोग नॉनवेज तो खाते नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं सावन में भी नॉनवेज खाते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, तो हम लोग अपने कॉन्टेंट से समझौता कैसे कर लें भाई, इसलिए वेज और नॉनवेज तो दोनों हम लगभग चलते हैं। थोड़ा वेज कॉन्टेंट पर थोड़ा हम रिसर्च ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि वेज कंटेंट हम कुछ का कुछ तो दिखा नहीं सकते भाई साहब, कुछ स्पेशल जो जायका है वो दिखाएंगे। तो फिलहाल आज हम आए हैं, मटन की प्रिपरेशन थोड़ा सा जो है वो आगे निकल चुका है उसे दिखाने के लिए। लेकिन भाई साहब, ये जो जगह है ना, इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं पहले आपको दिखा दूं, सिंह होटल है ना, यहाँ पर हमने वीडियो पहले भी बनाया है। और भाई साहब, ये जो जगह है ना सेक्रेटेरिएट, ये जगह पहले हरा भरा हुआ करता था भीड़ से, क्राउड से, लेकिन सावन का समय है इसलिए हरा तो है, आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, लेकिन भरा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि प्रिपरेशन जो है वो आगे निकल चुका है, लेकिन आपको जहाँ से भी प्रिपरेशन है वो आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो जो लोग भी वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। तो नॉन वेजिटेरियन जो अभी सावन का महीना है, अगर आप उसके बाद अगर एक बार आ जाएँ यहाँ पर और यहाँ का जायका ट्राई करें, तो भाई साहब वाकई में, हमने पहले भी वीडियो का रिव्यू किया है, बहुत ही लजीज यहाँ का जो मटन है ना वो बहुत ही गजब मटन का जायका है। लेकिन आज हम करेंगे एक नए तरीके से, आज दिखाने वाले हैं प्रिपरेशंस को, और वही प्रिपरेशन होगा, लेकिन आज समय नया है, जगह पुराना है, लेकिन अंदाज हमारा नया होगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, और वीडियो को प्यार देते रहिए भैया, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेस्ट का लहरिया लूटना है। तो चलिए चलते गाइस, मसाले जो हैं यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं मटन के लिए, और इसे तैयार करके यहाँ पर मटन में मिलाया जाएगा। थोड़ा सा जो एम्बियंस है वो एम्बियंस में थोड़ी सी भी कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गज़ब का, मतलब मुझे अभी भी स्मेल आ रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया, कितना बढ़िया तरीक़े से तैयार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं गाइस, ये देखिए भैया, ये मटन हमारा, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए भाई मटन देखिए, कितना केजी मटन है? 10 केजी। चलिए क्या बात है भाई, ये देखिए, ये देखिए भाई साहब। अच्छा, इसमें मसाला क्यों तैयार कर रहे हैं? मिक्स के लिए कर, मिक्स करिएगा, क्या बात है। अभी वो मटन कितना देर अभी लगेगा तैयार होने में? मसाला डालने के बाद 10 मिनट। ये देखिए भैया, नॉर्मल दिन में कितना तैयार होता था मटन आपका? 60-70-80 किलो तक आराम से, लेकिन चूंकि सावन के कारण 10 किलो पर, लेकिन कोई बात नहीं, आपका 10 किलो भी है, बहुत जगह तो 10 केजी भी नहीं है भाई। ये देखिए लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए मसाले, हमने एक वीडियो यहाँ का बनाया है, लेकिन भाई साहब ये देखिए, ये गया आपका हल्दी भैया, ये गया हल्दी, देख सकते हैं गाइस, ये गया हल्दी, और हल्दी को मिलाया जा रहा है भाई साहब, ये हल्दी को मिलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी, तो इसमें भी पानी डालते हैं, ओ मसाला गलने के लिए। ये देखिए, ये देखिए भैया, बहुत ही बढ़िया, अच्छा टेक्सचर आ रहा है इसका, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है भाई। ये देखिए, ये मसाला एक जगह तैयार किया जा रहा है, और उधर मटन जो है वो मटन हमारा कितना, वो तैयार हो चुका है क्या मटन? लगभग सिझ चुका है, आधा हो चुका है। यहाँ पे मसाला तैयार करके उसको मिक्स किया जाएगा, जैसे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, ये दूसरा वीडियो मैंने बनाया है। ये गया आपका जीरा पाउडर, ये गया जीरा पाउडर, ये गया जीरा पाउडर भाई साहब, ये गया गोलकी पाउडर, ये देख सकते हैं, और इसे अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है। 10 केजी मटन की तैयारी, थोड़ा सा पानी और भुनने के लिए, ताकि मसाले जो है ना ये सटे नहीं कढ़ाई में।
ये देखिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये क्या? मिर्चा पाउडर, लाल मिर्चा ना, क्या बात है। ये देखिए, ये भरत जी क्या गया? धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। भरत जी पहले भी हमारे साथ यहाँ मटन बना चुके हैं, उस समय मटन जो बनाए थे लगभग 30-40 केजी के लगभग बनाए थे। ये गया आपका कश्मीरी मिर्च, लेकिन चूँकि सावन होने की वजह से अभी उतनी डिमांड नहीं है जितनी होती है एज यूजुअल डे पे, इसलिए 10 केजी बनाया जा रहा। तो 10 केजी सेल हो जाता है ना लगभग? 10-15-20 तक जा रहा है। अच्छा, 20 तक जा रहा है। अच्छा, 20 केजी तक जा रहा है। मतलब यही है कि आप एक लॉट तैयार करते हैं और दूसरा, जैसे जैसे एक लॉट कम नहीं लगता है तो फिर दूसरा लॉट तैयार करते हैं? अच्छा, तो मतलब 20 केजी तक लगभग निकल जाता है शाम तक, क्या? शाम तक। तो ये जो अभी आप 10 केजी बनाए हैं, तो ये 10 केजी अगर और बनाना पड़ेगा तो ये कब बनाइएगा? 1 बजे तक। वो पता चल जाता है डिमांड पर, है कि नहीं? ताकि बचना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप ज़्यादा मटन बना लिए और फिर सेल नहीं हुआ तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, इसलिए ये। और बढ़िया भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको ताज़ा खाने को मिलता है, प्रॉपर खाने को मिलता है। और आज चुस्ता कितना है? एक चुस्ता खिलाने वाले हैं? अरे क्या बात है भैया, माल बने की चुस्ता। अच्छा, एक माल पे एक चुस्ता, इसलिए। ये देखिए भैया, ये देखिए कितना बढ़िया। ये देखिए भैया, ये चुस्ता देखिए, ये देखिए, अरे गजब भैया, ये देखिए भाई साहब क्या बात है। तो मटन अभी एकदम अच्छे तरीके से धुआं हो रहा है। मसाले यहाँ से निकाल दिए गए और ये मटन में एक्सपोर्ट कर दिया गया भैया। ये देखिए मसाले इसमें निकाल कर उसमें डाल दिए गए। ये देखिए भाई साहब, ये देख सकते हैं यहाँ से मसाले निकाल कर, और मटन में जो फ्लेवर है ना मसालों का, वो आराम से अंदर देखने को मिलेगा। धीरे धीरे उसके जो रोगन है ना, उस रोगन में ही वो पूरे तरीके से समाने वाला है भाई। ये थोड़ा सा निकाल लिया गया। अच्छा, ये मुर्गा के लिए हो गया, क्योंकि ये मसाले का जो मेक ओवर है वो सेम ही है, तो मुर्गा में भी ये मसाले जो है ये पड़ेंगे भाई साहब। और वेज लवर्स के लिए आलू परवल के सब्जी जो है ये तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए भैया, ये देखिए, अरे भाई क्या बात है। ये देखिए आलू परवल का जो सब्जी है ना, इसका रोगन देखिए भैया कितना बढ़िया, ये देख सकते हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। मसाले मिक्स करने के बाद देखिए इसका जो रंगत है, कितना बढ़िया रंगत है भाई, बहुत ही बढ़िया रंगत, ये देख सकते हैं। मिक्स कर दिया गया, इसे ढक दिया गया। ये देखिए मटन का टेस्टिंग फेज जो है यहाँ पर है, इसे निकाल कर इसमें टेस्ट किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है भरत जी, हो गया है मटन? ये देखिए मटन का टेस्टिंग फेज, देखिए मटन को निकाल कर इसमें टेस्ट किया जा रहा है। तो मतलब खिंचाव है अभी या नहीं है? खिंचाव नहीं, हो गया है। अच्छा, लगभग कितना देर अभी और छोड़िएगा इसको? 5 मिनट में रेडी कर देंगे क्या? ये देखिए भैया, रोगन का कलर कितना बढ़िया आ रहा है, ये देखिए भाई साहब। ये देखिए कितना बढ़िया रोगन का जो कलर है ना, वो अभी से दिखना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे चला रहे हैं, ये जो रोगन का कलर है ना, ये देखिए कितना बढ़िया, मैं खुद चला रहा हूँ भाई साहब इसे, ये देखिए। हालांकि ये चलाने में भी भाई साहब, मैं समझ रहा हूँ जो परेशानी मुझे हो रही है, इसे भरत जी पे ही छोड़ते हैं। ये देखिए चुस्ता, देखिए भाई साहब
मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, ये गया आपका चर्बी, ये देखिए भाई साहब कितना बढ़िया रोगन का कलर, कितना बढ़िया, ये देखिए चर्बी जो है यहाँ पे, ये देखिए चर्बी ऊपर से डाला जा रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया चर्बी, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए चर्बी को डाला गया और चर्बी को चुस्ता के साथ यहाँ पे मिलाकर किया जाएगा आज का हमारा ये मटन। ये देखिए एक एक करके चर्बी इसमें एकदम डाल दिया गया, चर्बी को एक एक साथ क्यों नहीं डालते हैं, अलग अलग क्यों करके डालते हैं, छोटा छोटा हो जाए इसलिए, अच्छा गल जाता है, ये देखिए ये गया मीट मसाला और ये गया आपका कस्तूरी मेथी ना, ये देखिए मीट मसाला के ऊपर से कस्तूरी मेथी को डाल दिया गया है, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है, ये गया आपका गरम मसाला, ये गरम मसाला तो खुद का मतलब तैयार करते हैं ना मिक्सी में, वाह वाह वाह, मुझे अभी से गरम मसाले का जो फ्लेवर है ना वो मुझे अभी से मिलने लगा है, क्या बात है भाई, ये देखिए कलर देखिए भाई कितना बढ़िया, और चर्बी देखिए डालते ही चर्बी जो है ना वो गलना शुरू हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए भाई, और इनके जो गरम मसाले ना भाई मैं बता रहा हूँ इनका जो टेस्ट है ना, वैसे तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है पहले भी सिंह होटल का, और इनका टेस्ट वाकई में बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब, क्योंकि सावन है तो कुछ मैं देख रहा था कि कंटेंट अभी कैसा जा रहा है, और मैंने इसके तलाश में सोचा कि एक बार मैं जाता हूँ सेक्रेटेरिएट में, तो आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है, बहुत रश नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ये मटन का प्रिपरेशन दिख गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुँचा दिया जाए ये प्रिपरेशन, जो भी ऐसे लोग जो मटन खा रहे हैं अभी सावन के बाद, आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आ सकते हैं यहाँ के जायके को लेने के लिए। देखिए भाई साहब हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम अगर समय देखने लगेंगे तो फिर हम लोग कंटेंट क्रिएट कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हम जो हैं वेज और नॉन वेज दोनों के साथ एकदम तैनात हैं यहाँ पर, तो जो भी वेज लवर्स हैं वो वेज कॉन्टेंट को देखें और नॉन वेज लवर्स नॉन वेज कॉन्टेंट को, लेकिन ऐसे वेजिटेरियंस जो अभी फ़िलहाल वेजिटेरियंस हैं तो कोई बात नहीं, आप सावन के बाद एक बार ट्राई कर लीजिए यहाँ पे। ये देखिए भैया ये दाल में तड़के छिके जा रहे हैं, ये देखिए भाई ये क्या आपका जीरा, ये हमारा मिक्स कंटेंट है आज, वेज के साथ नॉन वेज दोनों मिल रहा है, अभी बहुत वेज नहीं मिला है लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं वेज भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसके तड़के जो लगेंगे ना भैया, उस तड़के को लगते हुए आप देखने में बड़ा मज़ा आता है, और जो छेका जाता है तो छुकने में भैया, ये गया एकदम लाल लाल मिर्च, अरे भाई क्या बात है, यहाँ पे अभी दाल छिकने जा रहे हैं, ये देखिए भाई ये देखिए, क्या बात है, ये देखिए भाई साहब जो मटन है, मटन का जो रोगन है वो आपके सामने अभी दिख रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए भाई साहब ये देखिए, अरे वाह गजब स्टाइल है भैया पापड़ का, ये देखिए ये कितना बढ़िया स्टाइल, वेज लवर्स के लिए एकदम पापड़ जो है ना एकदम, क्या बताएं भाई, कितने लोगों को पापड़ पसंद है कमेंट करके बताइएगा भाई, पापड़ ऐसा चीज़ है कि मतलब पापड़ है ये तो ऐसा है कि मटन के साथ भी ऊपर से एकदम एक मज़ा आ जाता है, पापड़ के बिना तो खाने नहीं होता है, आइसी का उल्टा है झापड़।
ये देखिए चोखा की तैयारी हो रही है और ये सिंहासन पे जो पहले चढ़ा हुआ था मटन, शाही मटन, वो तैयार हो चुका है। मैं दिखा दूँ, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए कितना बढ़िया मटन का जो रोगन है ना, वो रोगन आपके सामने में दिख रहा है। ये देखिए मटन पूरा तैयार हो गया है। ये देखिए भाई साहब,